ये रहा बैलू जो कि बैठा हुआ है इसके ऊपर, अजय से खेल रहा है। ये कारपेट जो आज हमने बिछाया है तब से मैडम यहीं पे ही है, क्योंकि ये इन्हीं के लिए बिछाया गया है ताकि ये जगह जगह इनको ठंड ना लगे। आप देख सकते हो एक एक कारपेट मैंने ये डाला हुआ है और एक उधर बाथरूम के साइड पर डाला हुआ है, क्योंकि ये जगह जगह जाकर बैठती है। तो आज मैंने मंगाया है इसके लिए सप्लीमेंट ओमेगा 3 और 6 प्लस। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने खुद मंगाया है। आप भी अगर अपने बच्चे से करते हैं प्यार तो इसको ये ज़रूर मंगाएं। अब विंटर्स आ रहे हैं तो आप इसमें देखेंगे कि इनकी बॉडी के अंदर जो है नहाने के बाद डैंड्रफ जैसा हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि वो ना हो, बच्चे के बाल ज़्यादा ना गिरें, तो आप ये ज़रूर इनको दें। ये कई ब्रांड्स के आते हैं और इसके आप मैं आपको इसके दिखा सकती हूँ क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। अगर हल्की फुल्की एलर्जी है तो स्क्रीचिंग स्क्रैचिंग करते हैं अगर ये, तो उसमें आराम मिलता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 6 फैटी एसिड है। इस वाले ब्रांड के अंदर तो इसमें विटामिन ए डी ई और बी, बायोटिन ऐड है, जिंक और सिलेनियम ऐड है, और भी कुछ स्किन के प्रोटेक्ट के लिए ऐड किए गए हैं। और सबसे इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो बच्चा है उसके जॉइंट्स में भी आराम रहता है। विंटर्स में इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इनके जॉइंट्स में भी बहुत ज़्यादा आराम रहता है, क्योंकि ओमेगा 3 और 6 जैसे हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने बच्चे की डाइट में ओमेगा 3 और 6 का फार्मूला ज़रूर ऐड करें। कई ब्रांड्स के आते हैं इसमें, एक आपने देखा होगा इसमें सैल्मन फिश का भी आता है, तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इनकी वीडियो मैं फिर बनाऊंगी, टर्टल के ऊपर, फिश के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। फ़िलहाल बेला के लिए, और ये इसको देखिए। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो ये ओमेगा 3 और 6 का आता है, खाली यही ब्रांड नहीं कह रही हूँ मैं, कोई भी आप ब्रांड लोगे, क्योंकि मैं बैलो को बीच बीच में ये देती रहती हूँ। सबसे अच्छा इसका ये होता है कि ये ईज़िली इसको कंज्यूम कर लेते हैं। आप इनकी डाइट के अंदर इसको डाल दीजिए, जो भी आप खाना दे रहे हो आप इसमें डाल दीजिए, इसको ईज़िली खाने को खा लेते हैं। अच्छा, वैसे तो हर प्रोडक्ट की जो भी डोज होती है वो लिखी हुई होती है, लेकिन इसके जो डोज हैं वो बेसिकली ये बॉडी वेट के हिसाब से जाती है। जैसे आपके बच्चे का बॉडी वेट 1 kg है तो आपको इसको 0.5 ml देना है, यानी कि 2 kg पे 1 ml। यदि आपका डॉग है 10 kg का तो देनी है आपको 5 ml, और अगर है 20 kg का तो देनी है 10 ml। तो उसके अकॉर्डिंग आप दिन में एक बार इसको फीड में दे सकते हैं। चलो लो देखिए, ये भी अभी लगा हुआ है, असल में सो के उठा है ना, आप थोड़ी देर तक ऐसे ही करेगा। वैसे आप देख सकते हैं इसके बाल वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं झड़ते हैं और इसकी स्किन में शाइन भी है। आप भी अपने डॉग को कॉम जरूर कीजिए, डेली नहीं कर सकते हैं तो 2 दिन में 1 बार कॉम जरूर कीजिए। बाल चाहे छोटे हों और बड़े हैं तो आपको डेली करना पड़ेगा, क्योंकि वो उलझ जाते हैं। आप अपने बच्चे की डाइट में ये कब शामिल कर रहे हैं, इसे शामिल ज़रूर 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 कीजिए मेरे कहने से, एक बार करके देखिए। और हाँ, जैसे इसके जो भी बेनिफिट आते हैं देने के 1 हफ्ते बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपने जब ओमेगा 3 और 6 अपने बच्चे को दिया तो उसको क्या बेनिफिट्स हुए।